मंच पर ठुमका लगाकर तहलका मचा देने वाली हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की आंखों का काजल ठग चुरा ले गए। बहेड़ी में बिजनेस ग्रुप के नाम से आयोजकों ने 13 मई को पिपरिया गांव में लाइव शो का आयोजन दिखाकर सपना के प्रशंसकों को महंगे टिकट बेच दिए। दरअसल सपना चौधरी ने बरेली में 3 जून को अपने डांस का लाइव शो कराने की अनुमति दी थी। इसी का फायदा उठाकर वीनस ग्रुप ने शहर के व आसपास के इलाकों में बड़े बड़े होर्डिंग व पोस्टर लगवा दिए और जगह जगह काउंटर खुलवाकर टिकटों की बिक्री शुरू कर दी। सपना चौधरी को इस बात की भनक लगते ही उन्होंने स्वयं शो करने से इनकार करते हुए वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें बहेड़ी में शो न करने की बात कही और किए जा रहे विज्ञापन का खंडन किया है। आज आपको बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सभी के लिए, पूरे इंडिया के लिए। आज मैंने एक बैनर देखा है और मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, वो ये बैनर है, देखिए। इस पे लिखा है विनस इंडिया एंटरटेनमेंट, बहेड़ी में पहली बार हरियाणा की सुपर डांसर व बिग बॉस 11 की प्रतिभागी सपना चौधरी रविवार 13 मई 2018 दोपहर 2 बजे से स्थान ग्राम पीप्रिया रंजीत बहेड़ी बरेली मीन्स आज ही अपना टिकट बुक कराएं। नीचे नंबर भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है लाइव शो प्रेजेंटेड बाय वीनस इंडिया एंटरटेनमेंट, जो कि सरासर फ्रॉड है। अगर मुझे कहीं बुलाया जाएगा तो उसका लोगो आज के बाद मैं अपनी फेसबुक पे डाला करूंगी, अपलोड किया करूंगी, ताकि आप सभी को पता लगता रहे कि मैं यहाँ आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। और आपको हर शो की एक वीडियो बाइट हम देते हैं हर इवेंट कंपनी को, ताकि इस चीज़ की कंफर्मेशन आपको रहे कि हाँ ये शो डन है या नहीं है। तो ये शो बिल्कुल डन नहीं है। क्षेत्र में प्रशंसकों के ठगे जाने से एहसास होते ही उदासी छा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली।